इससे पहले कि हम ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस करें, वी विल जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज सीआरओ. सीआरओ क्या है और वो हमारे लिए क्या करता है. मल्टीमीटर, जैसे कि अभी तक आपने पढ़ लिया है और आपने यूज भी किया होगा मल्टीमीटर. मल्टीमीटर से हमें वोल्टेज मिल जाता है, वी कैन मेजर करंट एंड वी कैन मेजर रेजिस्टेंस. सिमिलरली सीआरओ से हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, करंट मेजर कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम मेजर करते हैं. सीआरओ से हमें एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज तो मिलता ही है, इसके साथ साथ हम वोल्टेज का वेव शेप भी देख सकते हैं. द वेव फॉर्म इज विजिबल, जो कि हम मल्टीमीटर में नहीं कर सकते हैं. वेरी इजिली आई कैन मेजर द फ्रीक्वेंसी यूजिंग सीआरओ. मल्टीमीटर से भी कर सकते हैं. द ओनली एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीआरओ इज वी कैन नो द वेव शेप. हमें शेप का पूरा पूरा पता चल जाता है. फेज डिफरेंस भी हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग सीआरओ. सीआरओ द फुल फॉर्म इज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप. कोई भी सर्किट आपने बनाया है, उसको टेस्ट करने के लिए वो किस इनपुट से आपको किस तरह का आउटपुट देता है, वो देखने के लिए एक सीआरओ की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. इट इज अ वेरी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स. सीआरओ का वर्किंग बिल्कुल एक टीवी के जैसा है. यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, दिस इज दी सीआरटी. ये एक सीआरटी है, ये पूरा एक सीआरटी है. सीआरटी इज दी हार्ट ऑफ सीआरओ. दिस इज दी हार्ट ऑफ सीआरओ. यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, दिस इज इलेक्ट्रॉन गन. ये आप समझ लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन का खजाना है. यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. नाउ जो प्लेट आपको यहाँ दिख रहा है, वर्टिकल प्लेट और हॉरिजॉन्टल प्लेट, इसी की वजह से एक बीम, ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज इलेक्ट्रॉन बीम. ये बीम को शेप इन्हीं प्लेट्स की वजह से मिलता है. ये वाला प्लेट, दिस इज डिसाइडिंग दी वर्टिकल शेप. वर्टिकली ये मूव कैसा करे बीम, वो डिसाइड करता है. और ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेट है. हॉरिजॉन्टल प्लेट का इनपुट हमेशा एक टाइम बेस होगा और ये एक्स एक्सिस में. सपोज अगर मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ, दिस इज अ सीआरओ स्क्रीन. ये इसको फ्रंट से हम देखेंगे तो ये इस तरह का कुछ दिखेगा. तो जब एक बीम को, जब हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर का आउटपुट हॉरिजॉन्टल प्लेट को दिया जाता है, इसकी वजह से जो बीम है वो बस यहां से यहां और फिर वापस यहां, फिर यहां, फिर तुरंत वापस जाता है. धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है और बहुत जल्दी वापस चला जाता है टू टेक दी इन्फॉर्मेशन इन द नेक्स्ट साइकिल. अब हम एक एक करके सारे ब्लॉक्स को देखते हैं. दिस इज द ब्लॉक डायग्राम. तो इनपुट इज अप्लाइड हियर. जो भी इनपुट है जिसको हमें मेजर करना है और जिसका वेवफॉर्म, वेव शेप देखना है, वो हम इनपुट यहां से अप्लाई करते हैं. जो इनपुट है वो सबसे पहले जाता है वर्टिकल एम्पलीफायर में. वर्टिकल एम्पलीफायर, अगर इनपुट बहुत छोटा है तो उसको कंपैटिबल बनाने का काम एम्पलीफायर का है. वो थोड़ा सा उसको बड़ा कर देगा. इसके बाद आउटपुट ऑफ अ वर्टिकल एम्पलीफायर इज गिवन टू अ डिले लाइन. डिले लाइन का आउटपुट है वो जाता है वर्टिकल प्लेट को, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है. वर्टिकल प्लेट में जितना भी वोल्टेज आएगा, सपोज यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज है, पॉजिटिव ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऊपर वाली प्लेट की तरफ आएगा. अगर पॉजिटिव ज्यादा यहां पे है तो इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ मूव करेगा. अगर ऊपर वाला नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन बीम रिपेल होगा, और ये वाला नेगेटिव ज्यादा है तो यहां से रिपेल होगा और ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा. तो इसी तरह से
हमें एक वोल्टेज, वॉट एवर इज द वोल्टेज अकॉर्डिंग टू दैट मैग्नीट्यूड, यहाँ पे बीम ऊपर या नीचे होगा। नाउ डिले लाइन की क्यों जरूरत होती है? डिले लाइन इज देयर टू गिव अ डिले। नाउ आपको लग रहा होगा कि डिले की क्यों जरूरत है, जितना फास्ट हो काम उतना अच्छा है, लेकिन यहाँ पे डिले की जरूरत इसलिए है क्योंकि आप गौर कीजिए कि वर्टिकल एम्पलीफायर का जो आउटपुट है ये डायरेक्ट वर्टिकल प्लेट को जा रहा है, जबकि अगर डिले लाइन नहीं होता तो ये, अगर डिले लाइन को हटा दिया जाए तो ये वर्टिकल प्लेट का एम्पलीफायर का आउटपुट डायरेक्ट प्लेट को जाएगा, ठीक है। और आप इस तरफ देखिए, वर्टिकल एम्पलीफायर के आउटपुट के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले ट्रिगर सर्किट में जाएगा, ट्रिगर सर्किट विल गिव अ ट्रिगर टू द टाइम बेस्ड जनरेटर। टाइम बेस्ड जनरेटर, द आउटपुट ऑफ अ टाइम बेस्ड जनरेटर इज अ सॉ टूथ। सॉ टूथ मतलब कुछ इस तरह का वेव फॉर्म, इस तरह का वेव फॉर्म, ठीक है। तो why the name given to this is sawtooth, because it looks like a saw hacksaw. तो hacksaw के tooth की तरह ये दिखता है, इसीलिए इस तरह के waveform को हम sawtooth कहते हैं। sawtooth जा रहा है horizontal amplifier को, जहां पे ये amplify होगा, और ये जो sawtooth है ये जाता है horizontal plate को। एक्चुअली जब हमें एक वेवफॉर्म यहाँ पे विजिबल स्क्रीन पे विजिबल कराना है तो हमको ये जरूरत है कि वर्टिकल प्लेट में इनपुट और हॉरिजॉन्टल प्लेट में इनपुट एक साथ ही आए। अगर वो अलग अलग आए तो सिंक्रोनिज्म नहीं हो पाएगा। तो टू मेक बोथ द प्लेट सिंक्रोनाइज्ड हमने यहाँ पे एक डिले लगाया है, और डिले इतने ही टाइम का लगाया है जितने टाइम में हॉरिजॉन्टल प्लेट में ये वाला काम हो रहा हो, प्लस ये वाला काम हो रहा हो, प्लस ये वाला काम हो रहा हो, इतना टाइम, जितना टाइम यहाँ पे लग रहा है उतना का डिले हमें यहाँ पे देना है। इससे हमारे दोनों ही इनपुट एक साथ ही पहुंचेंगे दोनों ही प्लेट्स में, और हमारा आउटपुट विल बी सिंक्रोनाइज्ड। नाउ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू कि वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस sawtooth। हॉरिजॉन्टल प्लेट को हमने sawtooth क्यों दिया है? यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वोल्टेज, ये बीम धीरे धीरे करके इस तरफ आएगा, फिर तुरंत इधर जाएगा, फिर धीरे 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 करके इधर आया, फिर तुरंत वापस चला गया। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ sawtooth। आप देखिए यहाँ पे वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ रहा है और तुरंत नीचे चला जा रहा है, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर तुरंत नीचे चला जा रहा है। तो ये वाला जो टाइम है जहां पे ये बढ़ रहा है, वी कॉल इट एज ट्रेसिंग टाइम, ट्रेसिंग। और जहां पे बीम वापस चला जाता है, मतलब यहां से यहां तक का टाइम, इज नोन एज retracing time। ट्रेसिंग टाइम ज्यादा रखा गया है और retracing time कम रखा गया है। ये इसलिए किया गया है ताकि कोई इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। नाउ इलेक्ट्रॉन गन, आई टोल्ड यू इट इज सेंडिंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे वर्टिकल प्लेट है। Now I think you have understood what is vertical plate, और यहाँ का जो voltage है उसकी वजह से ये beam, यहाँ का beam का movement होगा। Now horizontal plate का movement is because of only time base। ये screen, this is the actual screen जहां पे मुझे waveform visible होगा। Now the property of this screen is, it is फॉस्फोरेसेंस प्रॉपर्टी। द मटीरियल विच इज हैविंग दिस प्रॉपर्टी, उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी।
यहाँ पे जो बीम है वो बहुत ही फास्ट स्क्रीन को स्ट्राइक करेगी। जितना ज्यादा फास्ट वो स्क्रीन को स्ट्राइक करेगी उतना ही अच्छा मुझे ल्यूमिनेंस मिलेगा। लाइट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम दिस काइनेटिक एनर्जी इन द स्क्रीन। नाउ दीज आर द पावर सप्लाईज। हाई वोल्टेज सप्लाई विल बी गिवन टू सीआरटी। सीआरटी को हम हाई वोल्टेज सप्लाई देंगे और लो वोल्टेज सप्लाई इज गिवन टू ऑल द सर्किट्स लाइक वर्टिकल एम्पलीफायर, डिले लाइन, ट्रिगर सर्किट, टाइम बेस्ड जनरेटर एंड हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। नाउ वी विल सी हाउ अ सीआरओ कैन बी यूज्ड टू मेजर एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज शिफ्ट। Now we will see how a CRO can be used for voltage measurement. The CRO screen I have shown, it is containing the scales. इसको जो स्क्रीन आपको दिख रहा है और ये जो partitions मैंने दिए हैं, डब्बे डब्बे जो बने हैं, they are known as graticules. इसको हम graticule कहते हैं। These are graticules and they are equally distant. Now I will make a waveform और उसका voltage कैसे measure करना है और current कैसे frequency कैसे measure करना है वो हम देखेंगे। Suppose इस तरह का waveform मुझे CRO पे दिख रहा है तो इससे मैं voltage कैसे measure करूंगी, that we will see now. CRO के front panel में एक knob होता है, वोल्टेज पर डिवीजन नॉब। वो इस तरह का नॉब होता है जिसमें एक डॉट सा रहता है। आप यहां पे देखिए डॉट कहां पे है। अगर डॉट टू को पॉइंट कर रहा है तो माय स्केल मल्टीप्लायर विल बी, अगर ये डॉट टू को पॉइंट कर रहा है तो मेरा मल्टीप्लायर टू होगा, माय मल्टीप्लायर विल बी टू। अब हम देखते हैं कि विद दीज इंफॉर्मेशन मुझे वोल्टेज कैसे मिलेगा। आपको एक रेफरेंस सेलेक्ट करना होगा। आई सेलेक्ट दिस इज माय रेफरेंस। अब इसके ऊपर आप देखिए कितने डिविजन्स हुए हैं। इसके ऊपर आप देखिए ये फर्स्ट डिविजन है और ये सेकेंड डिविजन है। तो एक डिवीजन 1 × 2 रिप्रेजेंट करेगा, दैट मीन्स 2 वोल्ट। व्हाई 2? बिकॉज माय मल्टीप्लायर इज 2। मल्टीप्लायर चेंज करेंगे तो वोल्टेज पर डिवीजन चेंज हो जाएगा। तो इन दिस केस जहां पे मेरा मल्टीप्लायर 2 है तो 1 डिवीजन विल बी 2 वोल्ट और यहाँ पे है 2 डिवीजन, दैट मीन्स मेरा वोल्टेज विल बी 2 × 2, दैट मीन्स 4 वोल्ट। 4 वोल्ट इज माय पीक वैल्यू। पीक टू पीक विल बी ट्वाइस दिस, क्योंकि पीक टू पीक में आप देखिए 1, 1, 2, 3, 4, 4 × 2, 4 × 2, that means 8 volt will be peak to peak voltage. Suppose मेरा multiplier 2 की जगह पे 10 है और मुझे screen में amplitude waveform is shown like this, तो मेरा output will be 2 × 10, that means 20 volt will be my peak value. ठीक है। Now we will find out how to measure frequency here. अब देखते हैं कि एक सीआरओ से फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट कैसे होता है। यहां पे एक स्क्रीन लिया है हमने जहां पे वेवफॉर्म इज शोन और इस तरह से वेवफॉर्म दिख रहा है। फ्रंट पैनल ऑफ सीआरओ में
एक नॉब होता है टाइम पर डिवीजन, ये नॉब जहां पे पॉइंट कर रहा है वो मेरा मल्टीप्लायर होगा फॉर दिस. अगर ये सपोज ये 0.1 मिली सेकेंड को सेकेंड में पॉइंट कर रहा है तो मेरा मल्टीप्लायर हो जाएगा 0.1 मिली सेकेंड. नाउ वी विल फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी. तो सीआरओ से हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं मेजर कर सकते, हमें टाइम पीरियड मेजर करना होगा. अब आप देखिए यहां से साइकिल शुरू हो रहा है एंड साइकिल एक कंप्लीट साइकिल, ये पूरी साइकिल पॉजिटिव, फिर यहां से आप देखिए नेगेटिव. यहां से लेकर के यहां पे एक कंप्लीट साइकिल पूरी होती है. फिर से बताती हूँ कि वन कंप्लीट साइकिल इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड एंडिंग हियर. नाउ वी विल फाइंड आउट हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर. दिस इज द फर्स्ट डिविजन, सेकेंड डिविजन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. तो माई टाइम पीरियड टी विल बी 5 × 0.1 मिली सेकेंड. सो टाइम विल बी इक्वल टू 0.5 मिली सेकेंड. नाउ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी एज आई नो दैट इट इज 1/ टाइम विच इज इक्वल टू 1/0.5 मिली सेकेंड विच इज इक्वल टू 2 kHz. सो दिस इज हाउ वी कैन मेजर फ्रीक्वेंसी यूजिंग सीआरओ. अभी हम फेज डिफरेंस मेजर करेंगे यूजिंग सीआरओ. फेज डिफरेंस वी विल मेजर यूजिंग सीआरओ. नाउ देयर आर टू इनपुट्स. एक इनपुट हमने दिया है एक चैनल को और दूसरा इनपुट दिया है दूसरे चैनल को. नाउ वेवफॉर्म इस तरह से हमें विजिबल होगा स्क्रीन में. अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट देयर इज अ फेज डिफरेंस. अब इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 5t. दिस इज 5t. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द फेजेस. नाउ द फेज डिफरेंस बिटवीन बोथ द सिग्नल विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला 5t × 360 डिग्री. This is 360 degree upon t, where this time t is the time period for one cycle. ये time period यहां से यहां तक का, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 4.5 × the टाइम पर डिविजन में जो मल्टीप्लायर होगा वी हैव टू मल्टीप्लाई इट और मुझे ये टाइम मिल जाएगा, कैपिटल टी मिल जाएगा. नाउ यूजिंग दिस वी कैन कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सिग्नल. ये जो मेथड